हाँ जी, किवें जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं भोपाल से दिल्ली जा रहा था, ट्रेन में था, बट एकदम से मुझे याद आया कि 1-1.5 घंटे में झांसी आने वाला है, और झांसी से चलती है हमारी इंडियन रेलवेज की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, यस, गतिमान एक्सप्रेस। तो सोचा क्यों ना आप सबके लिए उस ट्रेन का ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि इंडियन रेलवेज में उस ट्रेन में भी कैटरिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखेंगे, फूड रिव्यू करेंगे हमेशा की तरह कि हमारी फास्टेस्ट ट्रेन का खाना कैसा है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन लेट चल रही है, इसलिए मैं यहीं से इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या पता स्टेशन जाके टाइम मिले ना मिले। 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से, और वो 3 बजे निकलती है, मतलब हमारे पास 15-20 मिनट होंगे वहाँ से भागने को। ठीक है जी, वहीं जाके मिलता हूँ आपको मैं सीधा झांसी जंक्शन। ऑल राइट, पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, पीछे हमारे गतिमान एक्सप्रेस, इसका टाइम है यहाँ से 3:05 का, और अभी टाइम हुआ है 2:40, मतलब 25 मिनट बिफोर आ चुके हैं, इसलिए ये रहा C3। आज मेरा कोच है C3, सीट नंबर 31, शेयर कार में ट्रैवल कर रहे हैं आज। ओके, 38, ओके, सीट नंबर 38 ये वाला सीट है। मैं दिखाऊँ आपको इस ट्रेन का इंटीरियर, तो सेम शताब्दी जैसा ही है ऑलमोस्ट, क्या बिल्कुल ही सेम है, सेम सीट्स हैं, और आपको अगर ट्रे चाहिए तो यहाँ पर रख के खाना खा सकते हैं, वाटर होल्डर, फुट रेस्ट और रोलर ग्राइंडर जो आपको चाहिए धूप से बचाने के लिए, सेम है सब कुछ, कोई चेंजेस नहीं है, देखो बिल्कुल डिट्टो है। बट ये इसका स्पीड, गति का मतलब, गतिमान का मतलब गति, स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे, CCTV इधर भी मिल जाएगा और दूसरे एंड पे भी मिल जाएगा। अगर ऊपर देखें तो ये पूरा लगेज एरिया है, यहाँ पर लगेज रख सकते हैं, और रीडिंग लाइट्स हैं, यस वर्किंग है, शुक्र है चल रही हैं। सेम चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा एक इधर और हर एक सीट के पास, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है यार शताब्दी जैसे, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। वैसे इस ट्रेन का इंटीरियर तो बिल्कुल सेम है शताब्दी जैसा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मेन डिफरेंस है इसकी गति का, यस, इसका नाम ही गतिमान एक्सप्रेस है ना, इंडियन रेलवे की इकलौती गतिमान एक्सप्रेस है जिसे 160 किलोमीटर पे चलने की अनुमति, यस, आगरा टू दिल्ली हजरत निजामुद्दीन 160 पे चलने की परमिशन मिली हुई इसे। तो इस ब्लॉग में देखेंगे, फूड रिव्यू तो करेंगे कि खाना कैसा है, बट स्पीड देखेंगे कि हम 100 मिनट में, यस, विद इन 100 मिनट में हम 190 किलोमीटर कवर कर पाते हैं या नहीं। आगरा टू दिल्ली हजरत निजामुद्दीन 190 किलोमीटर विद इन 100 मिनट। यह गाड़ी कुछ ही समय बाद प्रस्थान करेगी। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे गाड़ी में ना चढ़ें। टाइम देख लीजिए, 3:05 निकल चुके हैं हम झांसी जंक्शन से, डिपार्चर देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सर्विस मिलती है, खाने पीने को क्या मिलता है। विद इन 9 मिनट स्पीड 130 इसने टच कर दिया। ऑलराइट, आ चुकी है पानी की बॉटल 0.5 लीटर की, सबको पानी की बॉटल दी जा रही है जिसने मील इंक्लूड किया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या सर्विस होती है। इस ट्रेन में भी हमें न्यूज़पेपर दिया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश, ये डेली टाइम्स, हिंदी का भी ऑप्शन है। वैसे इस ट्रेन के सिर्फ 2 ही हॉल्ट हैं, झांसी चलकर ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से सीधा दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, 419 किलोमीटर आएंगे सिर्फ 2 ही हॉल्ट। बाबा, यहाँ से ही सारी पब्लिक चढ़ती आएगी इस ट्रेन में, देखो कितना ज्यादा रश है। रुको, फर्स्ट ऑफिशियल होल्ट ग्वालियर जंक्शन, और यहाँ पर हम 15 मिनट डिले पहुंचे हैं, बट रश देखो कितना ज्यादा है, मतलब सारे लोग यहीं से चढ़ रहे हैं। एंड एक चीज इस ट्रेन के बारे में बता दूं, जब ट्रेन लॉन्च हुई थी ना तब उसको चलाया गया था सिर्फ आगरा कैंट तक टूरिस्ट के लिए, बट अच्छा रिस्पांस नहीं मिला इसलिए इसे ग्वालियर तक किया गया था, बट उसके बाद 2018 में इसे झांसी तक कर दिया, क्योंकि मतलब इस रूट पे ना ट्रैफिक ज़्यादा है और भोपाल शताब्दी फुल रहती थी, तो इसलिए इस ट्रेन को झांसी तक कर दिया, बट बहुत ज़्यादा रश है, 3 मिनट का ही हॉल्ट है और 15 मिनट डिले पहुँचे हैं। भाग लेते हैं, देखो पीछे देखो कितना रश है, अंदर चलते हैं, और इसके बाद आई थिंक कैटरिंग सर्विस मिलेगी, मतलब खाना पीना मिलेगा, अंदर चल के आपको मैं वो ही दिखाता हूँ। इतना ज़्यादा रश हो गया है, मैं भी किसी की सीट पे बैठा था, फटाफट पहले वहाँ से जाते हैं। गतिमान एक्सप्रेस
से इसकी पेंट्री दिखा देता हूँ जो हर एक कोच के साथ लगी होती है, क्योंकि इसमें भी अब कैटरिंग सर्विस स्टार्ट हो चुकी है और मैं अभी रिव्यू करूँगा मेरा आ गया खाना। बट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिल रहा है हमें थाली में, मतलब इवनिंग स्नैक्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो ये प्लेट्स हैं, इसमें हमें एक मफिन टाइप मिलेगा, कुछ केक टाइप एंड मैंगो ड्रिंक मिलेगा। इसमें आई गेस आई एम नॉट श्योर क्या चीज़ है, वेज। तो ये है हमारे इवनिंग स्नैक्स, इसमें दिया हुआ है छोले और कुलचा, दो पीस कुलचे दिए हुए हैं, ठीक ही है, गर्म नहीं है ज़्यादा। एंड ये है मैंगो ड्रिंक और केक दिया हुआ है साथ में, नट क्रैकर्स हल्दीराम का, एंड सैनिटाइज़र तो हमेशा की तरह होता ही है। तो यही है, अभी चाय आएगी तो चाय दिखा दूँगा, इसको खा के बताता हूँ कैसा इसका टेस्ट। तो सबसे पहले कर लेते हैं कुलचे छोले को टेस्ट, कैसा इसका टेस्ट। मतलब ठीक ही लग रहा है, सही नहीं लग रहा, और गर्म होता तो और मज़ा आता, पर ठंडा है, ठीक है टेस्ट में। बाकी ये है केक, ये अच्छा है, थोड़ा ड्राई है बट टेस्टी है। वैसे छोले कुलचे ना थोड़े गर्म होते हैं ना, और मज़ा आता है, ठीक है। बाकी गतिमान के साथ से इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ओके, सो दो पैकेट दूध के डाल दिए, एक से काम नहीं चलता। ये है बाघ बकरी की टी बैग, शुगर का दिया हुआ एक सैशे ऐसा, ठीक है। अगर आपको बिस्किट खाने तो खुद लेकर आना, ये नहीं देंगे। और ये जो ड्रिंक है ना, इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, मैंने मतलब शताब्दी में भी पिया था, इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, बट ठीक है, इनको कोई और कंपनी की करनी चाहिए। ये तो लीक करने लग गया नीचे से, लीक हो गया है। और वैसे मैंने ये दोबारा मंगवाया, मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, अब गर्म है बिल्कुल, अब मंगवाया तो कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही लग रहा है। जंक्शन पहुंचे थे 15 मिनट डिले और आगरा कैंट पहुंचे हैं 3 मिनट बिफोर, तभी तो कहते हैं ना गतिमान एक्सप्रेस, यही मज़ा है। खाना अच्छा था, बाद में जो छोले कुलचे आए थे ना गरम थे और वो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। एंड याद रखना, अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो ना तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ पेठा, जो कि मैंने शताब्दी एक्सप्रेस वाले ब्लॉग में बताया था ना, एक पेठा फेमस है, पेठा लेते हैं यार यहाँ से, पीछे पेठे पेठे हैं, देखता हूँ कुछ बढ़िया मिलता है तो। ये वाला ले लेते हैं यार, ये सही लग रहा है, पूरी पेठा। ये कौन सा पेठा भैया, ये ले लेते हैं तो, ये भी अच्छा लग रहा है। ये कौन सा, प्लेन है ना, प्लेन है। सबसे बढ़िया कौन सा होता है, ये वाला ले लेते हैं। ये वाला पेठा लिया मैंने, ठीक है ना। टाइम हो चुका है, 3 मिनट रह गए, 2 मिनट चलते हैं फटाफट से अंदर। तो अब देख लेते हैं इसका बाहर से इंटीरियर। तो यहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरा इधर मिल जाएगा और इधर सेम दो जैसे पहले होते हैं। यहाँ पर डस्टबिन मिल जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा, बैठने के लिए सीट भी मिल जाएगा, बैठने तो बैठ सकते हैं। वॉशरूम में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। आ चुके हैं गतिमान के वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम में सबसे पहले घुसते ही आपको मिरर मिल जाएगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन है। बट नीचे देखो, ये बिल्कुल गंदा है, यहाँ पर पानी पड़ा है। और ये देखो टैप पे कैसा है ना, आपका कुछ सॉफ्ट ढंग का रखा हुआ है बट ठीक है। और यहाँ पर देखो नीचे भी गंदा है, ये देखो पानी ही पानी पड़ा है यहाँ पर। जब से ट्रेन चली है झांसी से लेकर दिल्ली, कोई भी साफ सफाई करने नहीं आया, मैंने देखा बिल्कुल भी नहीं। गतिमान में इतना पैसा ले रहे हैं, झांसी टू दिल्ली का किराया है 1150 रुपये विच फूड, और इतना ज़्यादा पैसा लेने के बाद भी सबसे मेरे को लगता है इस रूट में जो चेयर कार का पैसा है ना सबसे ज़्यादा इस ट्रेन का है, साफ सफाई में नहीं। पहले चली थी वॉशरूम तो क्लीन था, बट अब देख लो हाल ये कैसे पड़ा है, टूटी भी कैसे पड़ा है, लोग भी गंदा कर रहे हैं, क्या करें अब। लेकिन सफाई को करनी चाहिए, अगर लोग गंदा कर रहे हैं तो इंटर टाइम सफाई तो ना। बट झांसी से चलकर अभी तक आगरा निकल चुका, कोई सफाई करने नहीं आया, इसलिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा था कि सफाई हो रही है नहीं, बट नहीं। अब स्पीड देखते हैं, क्योंकि यहाँ से स्पीड का तांडव स्टार्ट हो जाता है, चलते हैं बाहर। जिस चीज़ का मैं वेट कर रहा था बहुत देर से,
150 टच हो चुका है। यस, आगरा से निकल चुकी है, 10 मिनट हो गए, 151 152 टच हो चुकी है, 160 जैसी होगी मैं आपको दिखाऊंगा। 158 159 160 61, तब हाई चल रही है, थोड़ा दूरी खड़े होते हैं, बंद कर देते हैं इसे भाई। काफी क्लीन लग रहा है रेलवे स्टेशन मथुरा का, बिल्कुल साफ सुथरा। अंदर बैठ के पता भी नहीं लग रहा है, देखो कुछ भी नहीं पता लग रहा, और स्पीड देख सकते हो ऑलमोस्ट 160। ऑल राइट, पहुंच चुके हैं दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, स्टेशन कोड बता देता हूं NZM, और यहां पर हम 15 मिनट की डिले से पहुंचे हैं, बट मैं थोड़ा लेट उतर रहा हूं, स्पीकर है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एवरेज रहा, खाना 8/10 था, साफ सफाई के मामले में तो मुझे 5/10, वॉशरूम की कंडीशन गंदी थी बहुत, कोई साफ सफाई करने नहीं आया, झांसी से लेकर दिल्ली तक कोई साफ सफाई नहीं थी, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन होकर भी मुझे तो संतुष्टि नहीं मिली। हाँ, स्पीड आगरा के बाद तो बवाल था, देखा ना 160 अबव था, मजा आ गया था, बट कुछ ट्रैक में इशू हो गया था इसलिए 15 मिनट हम डिले हो गए हैं, बाकी अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाइक करके जरूर बताना आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, देखो कमेंट करके जरूर बताना, कुछ भी चेंजेस हो मैं करूँगा, मुझे बता देना। अगर आपको कुछ भी जर्नीज में कमी पेशी लग रही हो या मैंने कुछ भी चेंजेस किए हैं, फूड एक्सपीरियंस देखो, फूड रिव्यू कर रहा हूँ मैं आजकल तो, और जर्नीज कर रहा हूँ, अलग अलग जर्नीज आएंगी, जरूरी नहीं है ट्रेन जर्नी आएगी, बस जर्नीज भी आएंगे, कुछ और ब्लॉग्स भी आएंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।